सुशांत मौत मामले की नंबर वन आरोपी रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस गई है। रिया एनसीबी की गिरफ्त में है। 87 दिनों की लुका छिपी के बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि कल रात ज्यादा हो गई थी, लिहाजा रिया को जेल के बजाय एनसीबी के हवालात में ही रात गुजारनी पड़ी। गिरफ्त में आने के बाद से ही रिया बेहद परेशान नजर आ रही है। उसकी ये परेशानी उसके चेहरे पर भी दिखाई पड़ रही थी। जानकारी मिली है कि रिया करीब रात 12 बजे खाना खाए। खाने में उसने 2 रोटी और दाल ली, साथ ही थोड़ी सब्जी भी। लॉकअप में रिया को किसी तरह की स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिली है। इस लॉकअप रूम में सोने के लिए भी कोई स्पेशल सुविधा नहीं है। रिया को एक कैदी की तरह लॉकअप में रखा गया है। चूंकि रिया एक महिला है, लिहाजा रिया के लिए एक सेपरेट टॉयलेट का इंतजाम किया गया। यह पहला मौका है जब रिया को गिरफ्तार किया गया है। रिया ने अपने बचाव में मुंबई के बड़े वकील को लगाया है, लेकिन एनसीबी की चंगुल से रिया का छूटना मुश्किल नजर आ रहा है। चूंकि रात में ना जेल से रिहा करने का प्रावधान है और ना ही जेल भेजने का, लिहाजा रिया की पहली रात एनसीबी के लॉकअप में गुजरी है। अब सबकी नजरें सेशन कोर्ट पर टिकी हैं कि रिया की जमानत याचिका पर क्या फैसला आता है। रिया के इस जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस फैसले के बाद ही ये तय होगा कि रिया को जेल जाना है या फिर घर, रिया की रिहाई होगी या फिर जेल में उसकी आगे की रातें कटेंगी।